Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to my birthday series wherein I'll be posting one video every day for 12 days straight. एंड आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग चीज करने वाले हैं. एटलीस्ट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. एंड दैट इज गोना बी अ बर्थडे ग्लो अप. सो बेसिकली पहले तो इग्नोर माई फेस. आई नो इट लुक्स लाइक अ मेस. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ. एंड इट इज 11:30 एट नाइट. सो आई नो मेरा स्केड्यूल बहुत ही ज्यादा वियर्ड चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि एज यू नो मेरे पेरेंट्स भी घर पे नहीं है. एंड देन आई हैव अ लॉट टू मैनेज. एंड ऊपर से बर्थडे सीरीज एंड देन वैलेंटाइंस की सीरीज, लाइक देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन, राइट? सो मैं एक हफ्ते से 3 घंटे मैक्सिमम सोई हूँ. उससे ज़्यादा मैं सोई ही नहीं हूँ 1 घंटे एक दिन में. सो या आई लुक वेरी वेरी टायर्ड. एंड रात में ही मुझे मोस्टली शूट करने का टाइम मिल रहा है. एंड आज मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही थी शूट करने की. एक तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मैंने 1 घंटे की नैप ली थी. आई जस्ट डोंट नो हाउ नैप्स वर्क. पता नहीं कैसे लोग आधा दे के घंटे की पावर नैप ले लेते हैं, देन दे आर ऑल एनर्जाइज. मुझे तो बिल्कुल बेहोशी आने लग जाती है 1 घंटे की नींद के बाद. सो एनीवेज मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिसमें मेरा भी मन लगे एंड आई फील एक्साइटेड एंड साथ ही में वीडियो भी बन जाएगी. सो इसीलिए मैंने सोचा टू डू अ बर्थडे ग्लो अप. नाउ मैं इसको दिन में करना चाहती थी बिकॉज ऑब्वियसली अभी भी मौसम में थोड़ी ठंडी है एंड लाइक नहाना, हेड वॉश करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्लो अप. सो दिन में करना ज़्यादा सेंस करता. बट देन मैं एक हफ्ते से इसको डिले कर रही हूँ. मुझे दिन में टाइम ही नहीं मिल रहा है. ओ माय गॉड. सो मैंने सोचा एनीवेज रात में कर लेते हैं. बहुत कुछ होने वाला है. देयर बी बॉडी केयर, स्किन केयर. आई एम गोना कट माय हेयर माय सेल्फ टुडे. And I just hope I don't regret it later. So yeah, if all that excites you and interests you, keep on watching this video till the very very end. But if you're new to my channel, consider it a birthday gift and hit that red subscribe button and the notification bell right next to it so that every time I upload a video, you get notified. Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. So आज के हमारे birthday glow up का सबसे पहला step होने वाला है hair cutting. बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू गेट दैट आउट ऑफ द वे. मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हूँ उसको लेके कि आई जस्ट आई एम वरीड कि मैं मेस अप ना कर दूँ. बट मैं बहुत थोड़ी लेंथ काटूंगी ताकि इवन इफ आई मेस अप तो आई कैन गेट इट फिक्सड एंड मेरी हेयर लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी ना हो. सो मैं सबसे पहले अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ. बेसिकली मैं वही सब करूंगी जो मैंने लास्ट टाइम किया था, सिर्फ एक चीज डिफरेंट है. अभी बताऊंगी क्या. तो मैं अभी अपने बाल स्ट्रेट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं वेट कट नहीं करती हूँ. आई लाइक डूइंग ड्राई कट ताकि मुझे देखने को पता लगे कि मैं कितने बाल काट रही हूँ. बिकॉज एनी वेज मेरे बाल वेवी है. सो अगर मैं वेट कट करती हूँ तो जब उनको ब्लो ड्राई करो, सुखा लो बालों को, तो जितने हमने वेट कटिंग में काटे होते हैं बाल वो उससे ज़्यादा कट गए होते हैं. एंड यू अंडरस्टैंड द थिंग, राइट? तो इसलिए मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिया. ओके, ये एक हेयर कटिंग ट्यूटोरियल तो बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ न्यू एट इट. बट दिस इज वॉट आई एम डूइंग टू माई हेयर. क्योंकि मैं एक बार पहले कर चुकी तो आई एम अ बिट मोर कॉन्फिडेंट. एंड मैंने नाइट ड्रेस इसलिए पहना हुआ है बिकॉज अभी मैं वैक्सिंग शेविंग ये सब करने वाली हूँ. सो इट विल बी कम्फर्टेबल. लेट्स गो इन टू द बाथरूम टू कट द हेयर क्योंकि यहाँ पे तो नहीं कर सकते. लेट्स गो. ओके, सो नाउ दैट वी आर इन द वॉशरूम मेरी आवाज थोड़ी इको कर सकती है एंड आई थिंक करेगी. सो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मैंने अपने बाल स्ट्रेट करके सेंटर पार्ट करके मैंने इनको टाइटली इस तरीके से पीछे बांधा था एंड देन मैंने नीचे से ट्रिम कर दिए थे. सो काफ़ी अच्छी शेप आई थी उससे. इट वॉजंट लुकिंग कि मैंने घर पे ही खुद से ही काट दिए बाल. बट आज जो मैं करने वाली हूँ इज गोना बी समथिंग डिफरेंट. मैंने ब्रैड मोंडो का वीडियो देखा था टू कट लेयर्स एंड कर्टन बैंग्स एट होम्स. नॉट कर्टन बैंग्स एग्जैक्टली बट ऐसा थोड़ा लेयर्स एड करने के लिए उन्होंने ये टेक्निक सिखाई थी. सो दिस इज वॉट आई एम गोना डू टूडे. सो बेसिकली ही सेट टू डिवाइड द हेयर into two sections, so I'll do that quickly. मैंने अपने बाल सेक्शन कर लिया है. यहाँ से ये पीछे का एरिया है एंड ये आगे का एरिया है. नाउ आई हैव टू टाई देम. मैं बांध के बताती हूँ कि कैसे ट्राई करना है जस्ट अ मिनट. आई लुक वेरी वेरी फनी एट द मोमेंट. तो बेसिकली क्या करना था, अपने सारे बालों को से अपसाइड डाउन करके इधर पर पोनी बनानी थी दो,
सो इससे क्या होगा, आपके पीछे के बाल आगे खींचे हैं, सो जब आप इधर इनको कट करोगे तो आपके पीछे के बाल लंबे रहेंगे एंड आगे के बाल थोड़े शॉर्टर हो जाएंगे लेंथ में। सो अब हमको इसको उतना काटना है जितना आपको लेंथ चाहिए एंड उन्होंने बोला था कि टू मेक श्योर कि हम दोनों ही पोनीज का जितना सेक्शन काट रहे हैं वो बराबर रहे। सो मैं अबाउट एन इंच और मे बी टू इंच पे एक मार्क लगा लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसे हेयर टाइज से इनको सिक्योर कर लिया है ताकि ये ज़्यादा मूव ना करे एंड आप देख सकते हो कि नीचे की ये जो दो लेंथ्स हैं ये एकदम इक्वली हैं। ओह गॉड, तो मैं इतनी फनी लग रही हूँ, आई फील लाइक सम कार्टून कैरेक्टर, बट एनीवेज आई विल कट इट एंड आई जस्ट होप इट गोज वेल। सो यो ओके ओके ठीक, पहला कट लग चुका है, नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। ओह माय गॉड, वेरी स्केयर टू डू दिस, ऑल्दो मैं एक बार पहले कर चुकी हूँ एंड द रिजल्ट वॉज गुड, बट उस टाइम पे मैंने बहुत सिंपल एक स्ट्रेट कट किया था। इस बार आई एम ट्राइंग टू डू लेयर्स समहाउ, सो दिस पार्ट इज गॉन, आई एम नॉट ओपनिंग इट राइट नाउ बिकॉज अभी मुझे डर लग रहा है। आई विल सी द फाइनल रिजल्ट विद यू टुगेदर, हम देखेंगे कि क्या कांट किया मैंने। ओके, नाउ वी कट दिस वन, आई जस्ट होप इट विल टर्न आउट गुड। मुझे कॉमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि ये सही से होगा या फिर आई एंड अप गोइंग टू द सैलून टुमारो इटसेल्फ एंड मेरा खर्चा डबल हो जाएगा। बट अगर ये सही से नहीं हुआ एंड कल मुझे सैलून जाना पड़ा सो आई विल गो वेरी शॉर्ट, मैंने ये सोचा हुआ था कि ईदर आई विल कीप ऑल द लेंथ पॉसिबल और आई विल जस्ट गो वेरी वेरी शॉर्ट। सो अब देखते हैं what the universe wants me to do. Okay, so अब मैंने अपनी दो ponies को further दो दो ponies में काट लिया है। वैसे हल्का ही जो मैंने काटे हैं बाल उसके बाद ही नीचे से hair looks so healthy and fluffy। अभी तक तो नीचे से झाड़ू जैसे लग रहे थे। So अभी हम उसको point cut करेंगे ताकि नीचे से बहुत ज़्यादा ऐसे blanks edge ना रहे। बट अगर आप खुद अपने बाल घर पे काट रहे हो तो आप पॉइंट कट जरूर करना, लेकिन बहुत ध्यान से करना क्योंकि पॉइंट कट फील्स लाइक कि लेंथ जा नहीं रही है एंड इट फील्स वेरी सैटिस्फाइंग एंड वेरी गुड। तो करते रहते बाल छोटे हो जाते हैं एंड अनइवन हो जाते हैं। मैं आप लोगों से तो बोल ही रही हूँ, पता चला मैं ही पापा करती हूँ बोलते बोलते। सो आई फोकस एंड मेरी मम्मी ये वीडियो देखेगी, शी इज गोना स्क्रीम एट मी कि भाई तू ये रात में करके रही थी। बट द थिंग इज I want to be self-sufficient enough with all my beauty needs, चाहे वो hair care, body care, skin care, makeup कुछ भी हो, that I just eliminate the need of parlor in my life altogether. So अभी मैं अपने सारे rubber bands हटाने वाली हूँ and this is gonna be the moment of truth. मुझे ऐसा लगा फटाफट से निकल जाओ, I just want to see, I hope it turns out good. आपको क्या लगता है कैसा हुआ होगा? So the moment of truth, although आप लोग मेरे expression से समझ ही गए होंगे that it has turned out good. Okay, look at it. Look at the layers. I mean, wow. It looks like a fresh trim. बहुत ही सुंदर लग रहा है and मैंने length ज़्यादा नहीं काटी, like मेरे बाल almost मेरे waist तक पहुँच गए थे. Now they are till here. So थोड़ी सी length गई है, ज़्यादा नहीं गई है. And I love it. Like my hair is looking so fresh. और नीचे से जो झाड़ू जैसे हो गए थे, now it is a little better. And now that I am doing a haircut, so I am planning to shorten the front bits also, ताकि मेरे frame face को अच्छे से frame करे. And I hope this one doesn't fail me. मैंने पिछली बार जब ये किया था, तो करते करते मैंने end में bangs ही काट दिए थे. But इस बार I just don't want to. One eternity later. So final verdict, this side की जो front layers हैं came out a lot better than this side. ये वाली side मुझे उतनी ज़्यादा blended नहीं लग रही हैं. But अगर मैं इसको और थोड़ा सा काट दूँगी, so length would be altered. फिर मुझे इस side के भी काटने पड़ेंगे. So अभी के लिए I'll keep it this way. अगर मुझे styling करने के बाद ऐसा लगा कि it is not looking good, so I might you know, get the front layers done in the salon, but I think it wouldn't matter that much. So this is done. Let's move to the next step. So now we'll move to scrubbing. So basically, सबसे पहले हम अपने बालों पे लगाएंगे स्कैल्प स्क्रब एंड देन हम अपनी बॉडी को भी स्क्रब करेंगे. तो अभी मैं अपने बालों में ये पिलग्रिम का AHA BHA स्कैल्प स्क्रब लगा लूँगी
काफी ज्यादा अच्छा है। जो प्लम वाला स्क्रब है, एंटी डैंड्रफ जो स्क्रब है, उसमें ना पार्टिकल्स है, सो इट इज मोर ऑफ फिजिकल एक्सफोलिएटर। एंड उसमें मुझे अच्छा लगता है, वो वाला प्रोडक्ट काफी अच्छा डैंड्रफ वगैरह के लिए भी काम कर जाता है। बस उसमें एक ही प्रॉब्लम लगती है कि शैम्पू करते टाइम जो उसके वो बीज रहते हैं ना, वो पूरे निकल नहीं पाते, तो कई बार ऐसा होता है कि एक एक दो दो दिन बाद भी बालों से निकल रहे होते हैं। बट दिस इज मोर ऑफ अ केमिकल एक्सफोलिएटर, सो आजकल आई एम लाइकिंग दिस वन अ लिटिल बेटर। ओके, सो नाउ वी आर इन माय बाथरूम एंड अभी इसको लगाए हुए 10 मिनट से तो काफी ऊपर हो चुका है। एंड द पैकेजिंग सेड दैट 10 मिनट इसको रखना है बालों में एंड देन आई हैव टू वॉश माय हेयर। मेरे बालों के एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फील कर रहे हैं आफ्टर द कट। एंड अभी मैं फटाफट से शैम्पू कर लेती हूँ, देयर इज़ नथिंग यू नो न्यू दैट आई हैड टू इन माय शैम्पू रूटीन, तो फटाफट से शैम्पू कर लेती हूँ एंड देन आई शो यू द फर्दर स्टेप्स। ओके, सो अभी मैंने शैम्पू कर लिया है एंड इग्नोर द वाटर गोइंग इन टू द ड्रेनिंग वॉइस। सो मैंने शैम्पू के लिए आज यूज़ किया था द प्लम का एंटी डैंड्रफ शैम्पू, दिस वर्क्स वेल फॉर डैंड्रफ। एंड जैसे कि मैं अपने हेयर कट वाली क्लिप में देखा था कि मुझे डैंड्रफ हो रहा है, बिकॉज विंटर्स में एक्चुअली आई यूज लाइक अ ल्यूकवॉर्म वाटर एंड उससे डैंड्रफ हो ही जाता है, कितना ही प्रोडक्ट्स यूज कर लो थोड़ा बहुत डैंड्रफ रह जाता है, बिकॉज यू हैव टू वॉश योर यू नो हेयर विद कोल्ड वाटर मोर मेनली लाइक रूम टेम्परेचर वाटर, बट इतनी ठंड में हो नहीं सकता एंड इस टाइम पर तो रात के 2 बजे हैं। तो अभी मैं मास्क लगाऊंगी एंड आज मैं यूज कर रही हूँ ये सेन बोटानिका का मास्क। सो मैं सेन बोटानिका का मास्क पहले भी यूज कर चुकी हूँ, बट ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट मैं पहली बार यूज कर रही हूँ। दिस इज द बायोटिन एंड कोलाजन हेयर मास्क, देखते हैं कि कुछ काम करता है ये कि नहीं। जो इसका पिछला वाला था मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, आर्गन ऑयल वाला था शायद वो। ओह माय गॉड, दिस स्मेल्स लाइक जैस्मिन, स्ट्रेट अप जैस्मिन, but it smells very very good, very florally scented. And अभी मैं फटाफट से इसको अपने बालों में लगा लूँगी। So basically मैंने काफ़ी बार बताया है that I don't use conditioners that often, I rather prefer hair mask. तो मैं थोड़े थोड़े बालों के section लेके इस mask को अच्छे से लगाऊँगी and उसके बाद मैं एक चीज़ करूँगी जो मैं हमेशा मना करती हूँ नहीं करनी चाहिए। So I will comb my hair. Now why I will do that is because यार मेरे ना बाल टूटेंगे I know, but then अगर मैं comb नहीं करूँगी तो अभी मेरे बालों में बहुत ज़्यादा knots हैं and जब ये बाल dry हो जाएंगे ना उस time पर मेरे से knots खुलते ही नहीं है, like कई बार तो ऐसा हो जाता है मुझे लगता है बाल काटने पड़ेंगे। So this is what the tangle teaser looks like, इससे मेरे बाल टूटते बहुत कम है and बहुत अच्छे से knots खुल जाती हैं, तो मैं काफ़ी extra लगाऊँगी। तो मैं इधर से स्टार्ट करके एंड्स तक लगाती हूँ, एंड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा करके एंड ऐसे ही मैं सारे सेक्शंस पे लगा लूँगी। एंड इस टाइम पे पूरी दुनिया मुझे लग रहा है सो गई है एंड आई एम श्योर पैम्परिंग माई सेल्फ बट आई एम लविंग इट। सो अभी मेरे बाल हाथ बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहे हैं तो ये मेरे हाथ से फिसल जा रहे हैं, बट यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ ग्लाइडिंग अलॉन्ग माई हेयर। एंड अभी तक देखो एक भी बाल नहीं निकला है, कहीं एक निकल गया है, सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। मेरे मुश्किल से 2 या 3 बाल निकले हैं एंड माई एंटायर सेक्शन इज नॉट फ्री, सो आई रियली लाइक यूजिंग दिस। एंड नाउ आई हैव मेड अ बन एंड आई एम गोना लुक फनी फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियो, बट दैट्स हाउ इट इज, बट द एंड रिजल्ट इज गोना बी वेरी वेरी गुड। ऐसा नहीं मैं पहली बार कर रही हूँ, आई डू दिस वेरी ऑफन, लाइक वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार तो मैं कर ही लेती हूँ एंड आप भी करके देखना आपको बहुत मजा आएगा। डब्बे में किसी में लिखा रहता है 5 मिनट, किसी में 10 मिनट, बट आई लाइक टू कीप इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल ताकि मेरे बाल अच्छे से नरिश हो जाए एंड तब तक मैं अपना बॉडी केयर कर लेती हूँ। सो बॉडी केयर में 2 चीज़ें मेनली करती हैं, एक है बॉडी स्क्रब एंड एक है शेविंग। सो यस आई शेव नाउ, पहले मैं वैक्स करती थी, मैं खुद से वैक्स कर लेती हूँ, बट दैट प्रोसेस इज वेरी हैसल एंड हेक्टिक क्योंकि और फिर गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, चिपचिप हो जाता है सब जगह, सो आई जस्ट डोंट लाइक इट दैट मच। एंड देन ये जो नोक्स एंड कॉर्नर्स ऐसे से करने में मेरे तो हाथ ही दर्द हो जाते हैं एंड अगर मैं खुद वैक्सिंग करने बैठती हूँ तो आई थिंक मुझे 2-3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट दैट मच टाइम, सो वट आई डू इज आई शेव
एंड आई डोंट डू एनी फैंसी शेविंग रूटीन, आई माइंड यू. मैं बहुत ही सिंपल सा ये यूज एंड थ्रो वाले जो रेजर्स आते हैं जिलेट के, जो आई थिंक पापा लोग भी यूज करते हैं, तो मैं इसी रेजर को यूज कर लेती हूँ. आई डोंट बाय दोज लेडी स्पेशल यू नो रेजर्स, बिकॉज दिस वर्क्स वेल फॉर मी. मुझे आज तक इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. तो अभी मैंने अपना हाथ थोड़ा सा पानी लगा लिया है. नाउ आई वॉन दिस ग्लव. Now what I have to do is, you have to take your body wash. Okay. Now you scrub. आप इसे बिना सोप या बिना बॉडी वॉश के भी कर सकते हो, और उससे भी आपका गंक और जितना डेड स्किन है वो निकलेगा. बट मैं बॉडी वॉश के साथ इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाए, हाइड्रेट भी रहे, क्योंकि अदरवाइज इट कैन फील अ लिटिल टू हार्श एंड बॉडी वॉश से क्लीन भी हो जाएगा. सो या सो माई स्किन फील स्मूथ एंड एक्सफोलिएटेड. बट जैसे उनकी वीडियो में दिखाते हैं कि इतना सारा ऐसे डेड स्किन निकल रहा है, ऐसे तो मेरा कुछ नहीं निकला. मे बी माई स्किन इज वेरी क्लीन और समथिंग लाइक दैट. बट ठीक है, अभी मेरी स्किन जैसे एक्सफोलिएट हो गई है. सो नाउ वॉट आई लाइक टू डू इज, मैं थोड़ा सा बॉडी वॉश लूँगी एंड मैं इसको अपने हाथों पर लगा लूँ. सो जैसे मेरी हेयर ग्रोथ अभी नीचे की तरफ है, so what I like to do is I'll go in the direction of my hair and थोड़ा थोड़ा distance करने के बाद पानी में you clean the razor, ताकि razor पे कोई भी बाल ऐसे जमा ना हो जाए, वरना आपको razor burns हो जाएंगे. and yeah, so इस तरीके से आप अपनी hair growth के along shape करो. and again shaving के regarding अगर आपके कोई myths हैं तो नीचे कमेंट्स में छोड़ देना, आई लव टू आंसर देम. बिकॉज मुझे शेव करते करते आई थिंक 6 साल हो चुके हैं. एंड बीच बीच में मैंने एक दो बार वैक्सिंग भी ट्राई करी थी. लास्ट में मैं हेयर की ऑपोजिट ग्रोथ में जाना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पसंद करती हूँ. इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे बेबी हेयर बच्चे भी होते हैं ना, वो भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं. एंड इसके बाद आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है ना, वो थोड़ा और डिले हो जाएगी. तो एक दो दिन आपकी शेव और लंबी चलेगी. सो शेव के साथ ये है कि हाँ, मतलब वैक्सीन जितना लंबा नहीं चलते, यू नो द प्रोसीजर डजंट लास्ट दैट लॉन्ग. आपको बहुत फ्रिक्वेंटली करना रहता है, बट आई डोंट थिंक इट इज दैट बिग ऑफ अ टास्क. अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए मैं इतनी धीरे धीरे कर रही हूँ, वरना मैं तो जितनी देर में मेरा हेयर मास्क सूखता है उतनी देर में तो मेरा हाथ पैर दोनों और शेव हो जाते हैं. नाउ लुक व्हाट अ स्मूथ शेव आई हैव गॉटन. माय हैंड फील्स सुपर सुपर स्मूथ. मजा ही आ गया. नाउ सिमिलर वे में आई विल शेव माय हैंड्स एंड माय लेग्स एंड देन आई विल बी बैक. ओके, सो आई जस्ट टुक अ शावर एंड I have all clean and freshly shaved arms and legs. अभी मैंने स्किन केयर नहीं किया है, फेस वॉश भी नहीं किया इनफैक्ट अभी, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद मुझे ऐसे हो जाता है जल्दी स्किन केयर करो, जल्दी स्किन केयर करो. सो मैं मोस्टली जब ऐसा कुछ पैम्परिंग सेशन कर रही होती हूँ, सो मैं स्किन केयर को थोड़ी देर के लिए डिले कर देती हूँ अनटिल आई यू नो डू माई बॉडी केयर एंड स्टफ. सो अभी बिकॉज एक तो विंटर्स भी है, एंड एनी वेज लाइक आफ्टर बाथ यू हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन. एंड अभी तो मैंने शेव किया है तो मेरी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो रखी है. So at this point it is very important that you moisturize your skin well. मुझे पसंद है ये वाला Quench का body butter. ये इनका new launch था अभी कुछ time पहले and I've been loving it. देखो मैं कितना सारा use कर चुकी हूँ. So like my skin is moisturized now. अभी मैं अपनी पूरी body पे body butter लगा लेती हूँ and then we'll start with the skin care. That's my favorite part and you're gonna love it. ओके, तो मैंने चेंज कर लिया इनटू समथिंग वार्म एंड कोजी, बिकॉज हल्की हल्की तो ठंड हो रही है. एंड अब हम करेंगे स्किन केयर. तो मैंने अभी तो फेस वॉश भी नहीं किया जैसा कि मैंने बताया. तो सबसे पहले मैं स्क्रब करूँगी. नाउ आई नो कि मैं यू नो फिजिकल एक्सफोलिएटर्स यूज़ नहीं करती हूँ, बट ये जो सेंटिव्स का है ना, ये मुझे कुछ टाइम पहले पीआर में आया था एंड दिस इज़ गुड. लाइक इसमें जो स्क्रब पार्टिकल्स है दोज आर नॉट वेरी वेरी हार्श, बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स है, तो मेरी स्किन को ये इरिटेट नहीं करता है. बट मैं स्टिल इसको उतना ज़्यादा रेगुलरली यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज आई स्टिल प्रेफर केमिकल एक्सफोलिएटर्स ओवर
फिजिकल एक्सपोलिएटर्स, बट आज मैं इसको इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से केमिकल एक्सपोलिएशन नहीं किया है एंड विंटर्स भी है, मेरी स्किन यहाँ पे थोड़े से ड्राई पैचेस हो रहे हैं मुझे, तो अभी मैं कुछ टाइम के लिए केमिकल एक्सपोलिएशन अवॉइड करना चाहती हूँ बिकॉज जो पील मेरे पास है दैट इज़ द 30% AHA वाला पील, मेरे पास मीडियम वाला पील है नहीं इस टाइम पे, तो इसलिए मैं अभी उसको स्किप कर रही हूँ। तो अभी मैं इसको एक्सपोलिएट करूँगी एंड सेकेंडली मैं आज शेव भी करने वाली हूँ फेस, तो केमिकल एक्सपोलिएशन और शेव साथ में मैं नहीं करती बिकॉज स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो सकती है, तो इसलिए मैं हल्का सा इससे स्क्रब कर लूँगी ताकि मेरी स्किन के पोर्स थोड़े लूजन अप हो जाएं एंड देन आई विल शेव माय फेस। ओके सो ऑनेस्टली मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है मैंने जब लास्ट शेव करी है, अब मेरे आईब्रोज देखो कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है, एक्स्ट्रा ग्रोथ छोड़ो अब तो मेरी आईब्रोज बिल्कुल जंगल हो गई है। सो मैंने सामने अपनी टेबल लैम्प वाली जो लाइट है वो लगा ली है एंड नाउ आई विल स्टार्ट शेविंग। तो सबसे पहले मैं अपना फोरहेड करूँगी, तो बेसिकली मैं हल्का सा मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया है एकदम लाइट वेट वाला, ज़्यादा मैं ग्रीसी या स्लिपरी नहीं करती हूँ सरफेस को एंड देन आई जस्ट शेव। सो बेसिकली आई स्ट्रेच माई स्किन और 45 degree के एंगल पे आई शेव। तो मैं ये चीज़ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ एंड अगर आपको फेस शेविंग से रिलेटेड और डिटेल में जानना है तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी की हुई है, तो मैं आई बटन में लिंक कर दूँगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो लाइक अगेन आई वुड लाइक टू मैंशन दैट इन नो वे एम आई सेइंग दैट फेशियल हेयर रिमूवल इज़ अ मस्ट। अगर आप अपने फेशियल हेयर के साथ कंफर्टेबल हो इट्स गुड, अगर आप अपने फेशियल हेयर को रिमूव करके यू नो कंफर्टेबल हो इट इज़ गुड। सो बेसिकली इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कंफर्ट, मुझे अपने फेशियल हेयर रिमूव करना ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज ऑल्सो मैं मेकअप करती हूँ तो मेरा जो मेकअप है वो मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छा और इससे स्मूथ सा आ जाता है आफ्टर रिमूविंग माई हेयर। एंड आज मैं अपनी आईब्राउज भी खुद ही करूँगी, सो मैंने अपने सामने एक जूम मिरर रखा हुआ है तो मुझे सब कुछ ऐसा 3x में दिख रहा है। सो बेसिकली मैं आज अपनी आईब्राउज भी खुद ही कर रही हूँ बिकॉज मैं आईब्राउ करवाने जब भी जाती हूँ तो पता नहीं क्यों आई एम जस्ट नॉट सेटिस्फाइड व्हेन समवन एल्स डज माय आईब्राउ, मुझे हमेशा से लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया कुछ गड़बड़ हो गया। सो ऑल्दो आई डोंट डू माई आईब्राउज परफेक्टली बट स्टिल लाइक आई लाइक देम दैट वेज। एंड ऑल्सो मैं थ्रेडिंग वगैरह के लिए भी ज़्यादा नहीं जाती, अगेन द सेम रीज़न आई जस्ट वॉन्ट टू एलिमिनेट द नीड ऑफ पार्लर इन माई लाइफ ऑल टुगेदर। सो अभी मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अपने आईब्राउज कर लूँगी ताकि आई जस्ट डोंट रूइन द आईब्राउज फॉर माई बर्थडे। सो आई विल डू माई फेस शेपिंग एंड देन आई विल सी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आप देख सकते हो कि आईब्राउज अगर शेप में हो तो आपका फेस कितना ज़्यादा डिफाइन हो जाता है एंड माई एंटायर स्किन इज ऑल स्मूथ एंड सॉफ्ट, फील्स नाइस, बट अगेन बिकॉज शेव करने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाती है स्किन एंड आई एम रियली रिग्रेटिंग स्क्रैचिंग दिस पिम्पल ओवर हियर, इसका मार्क अभी तक नहीं गया है, आई होप चला जाए जल्दी से। सो अभी मैं मास्क करूँगी एंड यूजुअली आई लाइक टू डू क्ले मास्क क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है एंड ये वाला मास्क है जो मैं जनरली यू नो किसी भी स्पेशल ओकेजन से पहले करती हूँ, बट मैं इसको आज नहीं करूँगी, मे बी मैं अपने बर्थडे से एक रात पहले कर लूँ। ओ एंड बाय द वे आज है 9th, सो अभी मेरे बर्थडे में 3 दिन है, तो या इसको हो सकता है मैं अपने बर्थडे से एक रात पहले कर लूँ इफ़ माई स्किन फील्स ऑयली और यू नो तभी करूँगी। अभी के लिए मैं फेस मास्क लगा रही हूँ, ये वाला शीट मास्क, ये मेरा बेल करके कोई ब्रांड है उससे है, ये मैंने डीमार्ट से ख़रीदे थे एंड इसका एक बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ एंड इट वॉज़ रियली नाइस। एंड ये लगाते ही मुझे ना वो वाले मीम्स याद आ जाते हैं यार, मुझे समझ नहीं आता लोग इतने एस्थेटिक से पिंटरेस्ट पर फोटो कैसे डाल देते हैं शीट मास्क लगा के। दिस इज़ व्हाट शीट मास्क लुक्स लाइक इन रियलिटी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ओके सो मैंने कुछ देर के बाद निकाल दिया अपना शीट मास्क एंड माई स्किन फील्स सुपर हाइड्रेटेड एंड परफेक्ट, लाइक बहुत अच्छा टेक्स्चर, एकदम स्मूथ स्किन फील कर रही है एंड इट इज़ ग्लोइंग ऑल्सो, सो आई लव इट। एंड बिकॉज अभी मेरी स्किन पे एक अच्छा खासा स्लिप है एंड माई स्किन इज वेल मॉइस्चराइज्ड, सो आई विल डू अ लिटिल गुआशा रूटीन। सो मेरे पास ये गुआशा है, दिस इज द रोज क्वार्ट्ज गुआशा, ये मैंने प्लम की वेबसाइट से खरीदा था।
सो वॉट आई डू इज मैं इसको इस तरीके से रख के आई टेक इट अप टिल हियर 5 seconds. सिमिलरली आई डू इट फॉर 10 times. इट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर फेस और आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है. सो आई डू इट ऑन द अदर साइड. एंड अभी मैं थोड़ा सा ये लिप बाम लगा लेती हूँ अपने लिप्स पे टू कीप देम मॉइस्चराइज एज वेल. दिस इज माई फेवरेट वन, द कोको मिंट फ्रॉम डॉट एंड की ग्लॉस बॉस. ठीक है, अभी ये हो गया. अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है बर्थडे ग्लो अप का, एंड दैट इज नेल्स. आई वाज सुपर एक्साइटेड फॉर दिस. वन इटर्निटी लेटर, टाडा, ऑल डन, एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल. कोई भी नहीं बोल सकता कि ये नकली नेल्स हैं. बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड बहुत ही ज्यादा नेचुरल लग रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर माई इंडेक्स फिंगर, बिकॉज सम वियर्ड रीजन मेरी इंडेक्स फिंगर के नेल है ही टेढ़ा, तो इस पे मैं कोई सा भी प्रेस ऑन लगाती हूँ इट लुक्स फेक. बट जो मेरी बाकी फिंगर्स हैं, लुक एट देम, लुक्स सो ब्यूटिफुल. आई लव इट. एंड ये कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. अगर मैं ये सिल्वर नहीं भी लगाती तो भी ये बहुत अच्छा लगता है. बट ठीक है, मैंने एक एक्सेंट नेल लगा दिया. बट आई एम नॉट लाइकिंग द सिल्वर वेरी वेरी मच, बट द ब्राउन इज टू डाई फॉर. आई एम गोइंग टू लव दिस एंड यूज इट सो ऑफन. बट या, दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज मेक ओवर बर्थडे ग्लैम अप. एंड या, आई होप आप लोगों को पूरा ग्लैम अप पसंद आया हो. ऑल्दो आई डोंट लुक वेरी ग्लैम एट द मोमेंट, बट दैट इज बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ मोर लाइक अ पैम्परिंग सेशन. क्योंकि ग्लैम अप तो आप मुझे रोजी वीडियोज में होते हुए देखते ही हो. आई लाइक हाउ एवरीथिंग टर्नड आउट एंड माई स्किन इज ऑल्सो ऑल ग्लोई एंड ब्यूटिफुल. बट या, दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. दिस वॉज माई सेल्फ पैम्परिंग सेशन. ये सिर्फ बर्थडे एक्सक्लूसिव नहीं है, इसको आप कभी भी कर सकते हो. इनफैक्ट मैं तो वीकली करती ही रहती हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है एंड यू फील नाइस. दैट वॉज द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. अभी 4 बज गए हैं एंड आई डेंट इवन रियलाइज बिकॉज आई वॉज इंजॉइंग द सेशन सो मच. एंड साथ साथ वीडियो भी बन गई. एंड या, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो. इफ सो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड मुझे कॉमेंट्स में बताना कि क्या आप लोग भी ऐसा कुछ सेल्फ पैम्परिंग सेशन करते हो या नहीं करते. अगर नहीं करते हो तो शुरू कर दो. या अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट to it. And I'll see you tomorrow at the same time with a brand new video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.